अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी फ्रूट सैलेड। आप इसे अफ्तारी में भी बना सकते हैं, ये बहुत हेल्थी है। आई होप कि सारे दिन की वीकनेस इससे दूर हो जाएगी। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप आम, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, 1 माल्टा, 1 सेब, 1 अनार, 1/4 कप किशमिश, 1 केला, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप बॉयल मैक्रोनी। मैं एक बाउल में मैक्रोनी, कंडेंस्ड मिल्क और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें तमाम फ्रूट्स शामिल करूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 2-3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसे बाउल में सर्व करूंगी। मैं इसे अनार के साथ गार्निश कर रही हूँ, आप किसी भी फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं। मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट सैलेड तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।